नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और लगातार सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार कितने दिनों तक बचेगी या चलेगी। इसी बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना ये भी हो रही है कि महाराष्ट्र के किसान दोबारा से लॉन्ग मार्च को तैयार हैं। अभी 38 दिन पहले ही उनका सरकार के साथ एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये बात फाइनलाइज हुई थी कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। सरकार ने इसके लिए 3 महीने का वक्त भी मांगा था, लेकिन इस सब के इन सारी घटनाओं के बावजूद अब किसान दोबारा से चलने को तैयार हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि बीते 1 महीने में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता अशोक धवले। आज उनसे हम बात करेंगे। अशोक सर, न्यूज क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी 38 दिन पहले ही आपने जो है राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया था और उसके तहत जो है ये बात हुई थी कि वो आपकी मांगों पे गौर करेंगे, लेकिन अब फिर से महाराष्ट्र में किसान जो हैं वो दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आखिर, और सरकार ने भी आपसे 3 महीने का समय मांगा था। तो ये जो पूरा लॉन्ग मार्च है, हम कहें कि किस मजबूरी में आप लोगों को दोबारा शुरू करना पड़ रहा है? देखिए, ये है कि जो मार्च महीने में लॉन्ग मार्च हुआ था नासिक से लेकर मुंबई तक, और उस वक्त सरकार हमें मिली थी, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इन सब के साथ जो चर्चा हुई थी उन्होंने लिखित रूप में भी दिया था हमको और विधानसभा के सामने भी वो रखा था। लेकिन अभी दो बातें हो गई, कुछ बातें जो उन्होंने मान्य की थी लेकिन एक्चुअली उसको लागू नहीं किया, वादा खिलाफी कुछ हद तक उन्होंने की है। जैसे कि जमीन का सवाल, उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी लोगों के ऊपर दमन का इस्तेमाल नहीं होगा, लैंड एक्विजिशन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब उन्होंने बोला था। लेकिन अभी हुआ पालघर जिले में, धानीवरी नाम का गांव है ढाणू तहसील के अंदर, वहां अभी 4-5 दिन पहले पुलिस आ गई और उन्होंने बहुत मारा वहां के आदिवासी किसानों को, महिलाओं को भी मारा, उनके घर पूरी तरीके से तोड़ फोड़ करके खत्म कर दिए। और फिर ये सब चल रहा था तभी हमारे CPIM के MLA विनोद निकोले और हमारे किसान सभा के साथी वहां पर गए, ये सब संगठित किया सब लोगों को और उनको कॉम्पेंसेशन दिलाया कलेक्टर के तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष वहां धानीवरी में अभी हुआ पिछले हफ्ते में। ऐसे ही पुणे जिले में अलग अलग ऐसे फॉरेस्ट के ऊपर ये फॉरेस्ट के अधिकारी, पुलिस, SRP हमला कर रहे हैं। तो ये एक तरफ ये BJP की सरकार राज्य की बोलते हैं कि भाई हम ये सब करते हैं, लिखित रूप में देते हैं, लेकिन एक्चुअली वादा खिलाफ ही करते हैं। इसलिए ये दूसरा मार्च हमको निकालना पड़ा अहमदनगर जिले में, लेकिन ये महाराष्ट्र का मार्च है। जैसे नासिक का भी पूरे महाराष्ट्र का मार्च था, वैसे ये भी कल जो शुरू होने वाला है अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में, ये भी महाराष्ट्र के हमारे किसान कल के मार्च में शामिल होंगे। दूसरी बात, कुछ नई बातें आई है ये जो सरकार के साथ समझौता होने के बाद। बहुत बड़ा बारिश गिरा, जो अकाली बारिश था, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान किसानों का पूरे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। अब ये सब नए सवाल भी आ रहे हैं और इसके वजह से आज के जो फसल के दाम बहुत बड़ा गिर गए हैं, सभी सोयाबीन है, कपास है, दूध है, तूर है यानी अरहर, ये सब के दाम बहुत जबरदस्त पड़ गिर रहे हैं। ये सब ये जो है, और जमीन के सवाल जो इन्होंने कबूल किया था लेकिन अभी भी उसका लागू करना ये हमें दिखाई नहीं देता। अशोक सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अशोक सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं ये जो जमीन का सवाल आपने कहा उसी पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों के स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि किसानों को खेती की जमीन और रहने लायक जमीन दीजिए, और राज्य में बहुत सारी बेनामी जमीन है जो मंदिरों के पास में है और वो जो है रीएलोकेट हो, एक तरीके का लैंड रिफॉर्म हो और इनको दिया जाए। क्या आप अपना अनुभव शेयर करेंगे कि ये किन मंदिरों के पास में है, कितनी जमीन है और अभी की स्थिति क्या है?
ये जो जमीन का सवाल आपने बोला, इसके अंदर दो तीन सवाल जो हमने मेन लिए हैं। पहला है जंगल जमीन का सवाल, और वो तो हमारे बहुत परंपरागत सवाल है, लगातार किसान सभा इसको लड़ रही है। आदिवासी इलाके में नासिक जिला, ठाणे जिला, पालघर जिला, अहमदनगर जिला, पुणे जिला, नांदेड़, यवतमाल, ये सब जिलों के अंदर लगातार हमारा संघर्ष ये वन जमीन के ऊपर जारी है, और इसके बारे में अभी भी राज्य सरकार का रवैया साफ नहीं है, इसलिए वो एक सवाल हमने इसमें उठाया है और वो हम आगे लेके जाएंगे। दूसरा जो आपने सही कहा वो है मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जो जमीन है, वो है 6 लाख एकड़ से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, और 6 लाख एकड़ कुछ कम नहीं है। ये पूरी जमीन आज जोतने का काम कौन कर रहा है? तो किसान कर रहा है, गरीब किसान, मंझला किसान ये काम कर रहा है, लेकिन नाम पर किसके है? ये जो मंदिर का ट्रस्ट है उसी के नाम पर ये सब 6 लाख एकड़ जमीन है, और इसलिए इसका फायदा वहां के किसानों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो जमीन नाम पे नहीं है, इसलिए उनको सरकारी कोई भी योजना नहीं मिलती, कोई भी सरकारी कर्जा बैंक का नहीं मिलता, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा नहीं मिलता। तो ये सब मामला है, ये वन के जमीन का भी है, ये मंदिर ट्रस्ट का जमीन का भी वही बात है। जो गायरान बोलते हैं हमारे यहाँ, पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड जिसको कहते हैं, ये भी सवाल बहुत पुराना है। तो इन सब सवाल ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये मोर्चा, ये हमने महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, इनके ऑफिस के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके गांव के ऊपर किसान सभा ने ये मोर्चा निकाला। अहमदनगर जिले के अकोले से ये शुरू होगा, कल से 3 दिन चलेगा, करीबन 160 किलोमीटर चलेगा, और ये लोणी नाम का गांव है जो महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर का गांव है, और रेवेन्यू मिनिस्टर के हाथ में ये सब जमीन के सवाल है, लैंड एक्विजिशन के सवाल भी, जो इससे अंदर जबरदस्ती से लोगों का जमीन लेने का, ये भी सब सवाल इसके अंदर हम लेने वाले हैं, और इसलिए ये लॉन्ग मार्च ये दूसरा निकाला है। ठीक है अशोक सर, एक जो बड़ी चीज है ना, मतलब आप लोगों ने ये दूध के किसानों का जो है मुद्दा काफी सरगर्मी से उठाया था। पिछले साल आपने जो है बड़ी डेरीज के एक्सप्लोटेशन के खिलाफ में मूवमेंट किया था, इस बार जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाएंगे, और आप लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो तकरीबन राज्य में 47 लाख किसान हैं जो 120 लाख मीट्रिक टन जो है तकरीबन ये दूध का उत्पादन करते हैं। ये दूध के किसानों का अगर आप अनुभव साझा कर पाए तो आप क्या कहेंगे कि उनकी किस तरीके की दिक्कतें हैं? बिल्कुल सही आपने बोला रवि, देखिए कोरोना के वक्त, ये कोविड जब था तब तो दुग्ध उत्पादक किसान, इनको हर लीटर के पीछे सिर्फ 17 रुपए मिल रहे थे, पहले जो 30-32 रुपए मिलते थे, कोरोना की वजह से दूध की डिमांड भी कम हो गई, ये सब प्रॉब्लम हुआ ट्रांसपोर्ट और ये सब, तो उनका दाम नीचे आया 17 रुपए लीटर तक, पूरा बर्बाद हो गया वहां किसान कोरोना के अंदर। और अभी कोरोना के बाद कुछ हद तक अभी वो जरा थोड़ा दाम बढ़ा है, कहीं 27 रुपया हुआ, कहीं 30 रुपया हुआ लीटर के पीछे। तो अभी केंद्र सरकार ने, ये बीजेपी के केंद्र सरकार ने अभी दूध का और डेयरी प्रोडक्ट का बहुत बहुत बड़े पैमाने पर आयात करने की नीति अभी इन्होंने पूरी तरीके से शुरू की है। अब आप देखिए, अगर ये न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से, ऐसे सब जगह से अगर मिल्क प्रोडक्ट और दूध ये अगर आयात होगा, एक्चुअली हमको मालूम है भारत सही माने में मिल्क प्रोड्यूसर 1 नंबर का देश है पूरे दुनिया में, ये हमको जानना चाहिए, सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है दुनिया का? भारत है। और ऐसे सूरत में जब आप अपने किसानों को आज उनको समर्थन देने के बजाय, उनको संरक्षण देने के बजाय आज दूसरे देशों से आप दूध आज आयात कर रहे हो,
तो हमारे देश के दूध उत्पादकों का क्या होगा, उनके दाम जबरदस्त गिरेंगे। और वही हो रहा है आज, ये जो दूध उत्पादक ये कोरोना से अभी बच गए कुछ हद तक, अभी उनको पूरी तरीके से आज यहाँ जन में डालने, आज ये बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ये डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क का करते हुए, और हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये मार्च के अंदर भी हम इस मामले को पूरी तरीके से उठाएंगे, और महाराष्ट्र के अंदर जो लाखों किसान ये दूध का ये जो धंधा करते हैं उनका पूरा, कई ऐसे किसान हैं कि जिनका बहुत बड़ा उनका जो इनकम है ये इसके ऊपर निर्भर है, उनको हम लामबंद करेंगे। और ये मोर्चे के अंदर दूध उत्पादक किसान भी बड़े पैमाने पर वो उसके अंदर शरीक होंगे और ये जाएगा। हमने और एक बात की है, दूध उत्पादक किसानों को फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो गन्ने के किसान को मिलता है पूरे देश में, तो हमने अभी डिमांड की है किसान सभा ने कि सभी देश के दूध उत्पादक किसानों को MSP वो तो नहीं दे सकते ये लोग, लेकिन फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP का इन्होंने ऐलान करना चाहिए केंद्र सरकार ने। और जैसे गन्ने किसानों को कुछ हद तक आज उनको कुछ ये मदद मिलता है, वैसे दूध उत्पादक किसान को भी ये FRP का लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ठीक है अशोक सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। अगर हम मैं ये कहूँ कि आप लोगों के बयानों को देखें ना, मोटामोटी तो ये समझ में आता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ पता नहीं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन इस बीच में जो मैं ये कहूँ कि फार्मर्स हैं या फिर जो बाकी तबके हैं उनका काफी ज्यादा जो है नुकसान होने वाला है, ये जो इंस्टेबिलिटी है इसका मतलब मैं कहूँ कि सीधा सर आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है बहुत संक्षिप्त में? देखिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने कहा वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस गंभीर बात ये है कि इस सरकार को अगर सही देखे तो इसको कोई नैतिकता नहीं बची है, नो मोरालिटी इज रिमेनिंग। इतने भ्रष्टाचार से ये सरकार आई है, करोड़ों रुपए एक एक MLA को देके उनको फोड़ा है, शिवसेना को फोड़ा है बीजेपी ने, और इसकी वजह से इस सरकार को कोई वैसे जन समर्थन महाराष्ट्र की जनता का नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से बदनाम है महाराष्ट्र के अंदर, और ये हमने देखा ये जो विधानसभा के कुछ उपचुनाव हुए उसके अंदर वो हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे, जहां बीजेपी 25 साल से कभी हारी नहीं थी, कस्बा पेट पूना में वो 15,000 से हारी, ये हमने देखा है। तो इसलिए ये एक बहुत गंभीर बात है कि सरकार को कोई मानता नहीं है, उसका कोई अथॉरिटी है नहीं, और इसलिए आज वो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। खारघर में हमने देखा कितने लोग मर गए, अभी इन्होंने जो महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार एकदम गलत आदमी को दिया, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, धूप के अंदर इकट्ठा किया, और उसके अंदर ऐसा लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं 13 लोग या 12 लोग मरे, लेकिन एक्चुअल ये है कि 50 से ज्यादा लोग मरे और कई लोग जख्मी हुए। तो ऐसा ये सब चीज लोगों को मालूम है, इसके लिए उनका ध्यान जो मेहनत कर जनता है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है, किसान की तरफ नहीं है, मजदूर की तरफ नहीं है, छात्र नौजवान खेत मजदूर महिला इनको पूरी तरीके से नजरअंदाज ये सरकार करती है। और इसीलिए इन सवालों के ऊपर आज किसान सभा ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि ये सही सवाल है महाराष्ट्र की जनता के, और इन सवालों को अगर हम उठाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता सही में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथ में आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है, और इसीलिए कल से ये अच्छा मार्च ये शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया सर न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। तो ये थे अशोक धवले, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज क्लिक के साथ।